आजकल मुसमानों का हाल ये है कि सारे ही तकरीब सारे ही मुसलमान शिकायतों में जीते हैं दुनिया में मुसमानों की तादाद एक बिलियन से भी ज़्यादा है वो हर मुल्क में आबाद है लेकिन अगर आप सर्वे करें तो तकरीबन हर मुसलमान आपको शिकायत की बोली बोलता हुआ नजर आएगा यानी ये कि तमाम कामें हमारे दुश्मन हैं तमाम कौमें हमारे खिलाफ साजिश कर रही हैं वी आर इन सीज ये सब बातें क्योंकि सवाल ये है कि यह जो नज़रिया बनाया मुसलमानों ने कैसे बनाया किस बेस पर तो अगेन यह हकीकत है कि शायद एक भी मुसलमान नहीं मिलेगा आपको शायद दुनिया में जो कहे कि मैंने कुरान को बार बार पढ़ा ये जानने के लिए तो कुरान से मुझे मिला कि शायद दुनिया हमारी दुश्मन हो गई कोई एक मुसलमान नहीं मिलेगा तो कितनी अजीब बात है मुसलमान स्टेज पर तो ये कहते हैं कि कुरान मुकम्मल किताब है मुकम्मल गाइड है वो शायद दुनिया के लिए रम किताब है वो धूम से स्टेज पर ये बात कही जाती है लेकिन खुद मुसलमानों ने क्या उस गाइडेंस लिया है ये जो शायद दुनिया के मुसलमान बोलते हैं नेगेटिव बोली तो क्या ये कुरान से लेकर ले बोल रहे हैं तो शायद एक मुसमान नहीं मिलेगा आपको जो कहे कि हाँ कैसी अजीब बात है पर मैं आपको एक उसूल बताता हूँ जो कुरान में है इस उसूल को अप्लाई कीजिए आप कुरान में अल-आराम, जो शुरा न छ है आराम उसके रुकू दस में एक ही मकाम पर कई हाथों में बहुत से नबियों का ज़िक्र है इन नबियों की तादाद 18 है 18 नबियों का ज़िक्र है और आखिर में कहा गया है कि उलए के लदीन हज़र फ़ब हद मुख्त ये नबी हैं या अच्छा 18 नबी जो है। ये सब के सब हिदायत पाए हुए लोग थे तो तुम उन्हीं के हिदायत पर उन्हीं की हिदायत को फॉलो करो यहाँ लफ्ज़ होदा है होदा मुक्त देखिए होदा के में यहाँ पर गाइडेंस नहीं है यानी इस बारे में नहीं कि सबको तोहद दी गई तोहद तो, तो अट्ठारह किस्म के नहीं हो सकती होती एक एक किस्म की है तो यहाँ वो चीज़ बराद होगी जो अट्ठारह किस्म की है और तोहहीद तो एक किस्म की है इस पर गौर करते हुए समझ में आती है बात कि खुदा से बराद यह है मॉडल इसका उर्दू और तर्जुमा सही होगा तरीका मॉडल यानी असल दीन तो तोहहीद है सब रवियों का इसमें कोई फ़र्क नहीं है लेकिन सिचुएशन डिफरेंट होती है तरह तरह के हालात में आपको तोहहीद की आजादी पर चलना पड़ता है तो अट्ठारह रवियों के जरिए अल्लाह ने अट्ठारह मॉडल पकड़ किए हैं अट्ठारह मॉडल तो हमेशा के लिए मुसलमानों को ये करना है कि अपने हालात को पढ़ें फिर अठारह नबियों में तलाश करें कि किस नबी का मॉडल उनके अपने हालात में अप्लाई होता है यानी अप्लाइड मॉडल उनके अपने हालात के लिहाज लिहाज से किस नबी का मॉडल उनके लिए अप्लाइड मॉडल है अब वो क़ुरान के मुताबिक गोया अट्ठारह किस्म के मॉडल हो सकते हैं तो इस लिहाज़ से मैंने मुतााल किया तो मैंने पाया कि हमारे लिए जो अपलाइड मॉडल है वो हर दिन यूनिम का है हम तोद तो तोल तोह के एतवा तो हमारा वही है जो कुरान में है जोल्ला की सनत में है लेकिन प्रैक्टिकल मॉडल जो है हमारे लिए मौजू हालात में दूसरे इस्लाम वाला है वो कैसे हज हाँ दूर इस्लाम आठवीं सदी कौल बसी यानी बी में पैदा हुए उनका मकाम था ये इराक़ में एक मकाम था नैनवा उर्जवाने में तो इराक में नैनवा के मकाम पर वो पैदा हुए और वहाँ पर उन्होंने दावत का काम किया हर सामने इराक के नैनवा में अपना अपना प्राफटिक बशन चलाया उसके बाद क्या हुआ एक बुद्धत तक उन्होंने अपना काम किया और लोग आपके साथ ईमान नहीं लाए ग किसी एक शे भी आपको दावत को क़बूल नहीं किया तो वो कौम पर कुछ क़ुरान के लफ्ज़ों में गु़स्सा हो गए कुरान के अल्फा में अदनू अपने कौम से गुस्सा हो गए अजहा बवाज़बन तो गु़स्सा होकर उन्होंने अपनी कौम को छोड़ दिया इराक से बाहर आ गए यहाँ पर वो एक कश्ती में सवार हुए ये कश्ती मे के सहैल पर चल रही थी तो ऐसे हालात पैदा हुए कि वो मेडिटेन जो समर है उसमें सफ़र रहे थे वो तो उसमें वो गिर गिर पड़े इसकी तफसील आप दे, देख सकते हैं तफसीरों में तो वहाँ पर क्या हुआ कि एक बड़ी मछली ने उनको निगल लिया फल का माहौल हाउथ में वेल मछली थी वो तो कुरान में बताया गया है कि बड़ी मछली निकल गया फिर मछली तैरते हुए आगे गई और एक मकाम पर उनको दोबारा उगल दिया वो तो ज़िंदा थे उसमें तो एक साहिल पर मेटेरनिक साहिल पर उगल दिया तो जो तारीख़ी मालूम इकट्ठे की गई हैं काफ़ी लिखा गया इसके ऊपर उससे मालूम होता है कि यह मकाम वो था जहाँ आप तेलवीब हैं फ़लस्तीन में इराक़ से मशीन निकाल कर उनको फ़लस्तीन में डाल दिया अरबी में इस मकाम का नाम है याफा ये इराक़ से तकरीबन एक हज़ार किलोमीटर दूर है ये मकाम इराक़ से तकरीबन एक हज़ार किलोमीटर दूर है वहाँ डाल दिया उनको तो हजरत नू जब पेट में थे मछली के उसके बारे में कुरान में आया है कि वो पेठी में रहते वो लेकिन उन्होंने मकफ़रत अल्लाह से मफ़रत मांगी अपनी गलती का एतराफ़ किया अगर वो ऐसा न करते तो कामत तक वो बशरी के पेट ही पड़ रहते ये क़ुरान में अल्फाज मौजूद हैं फल अब सी वत नहीं इलाम वासून यानी कामत तक वो बशरी के पेट ही पड़ रहते बहुत लेकिन उन्होंने वो ज़िंदा थे मछली के पेट में कुछ खुराक भी मिल रही होगी उनको क्योंकि बेल तो बहुत बड़ी मछली होती है तो मछली ने अल्लाह के हुक्म से उनको ला करके तकरीबन एक हज़ार किलोमीटर दूर मेरी ट्रेन के साल पर उगल दिया जो इसको अब हम तरवीब कहते हैं यह है किस्सा तो हाँ उसके बाद जब वो निकल उगल दिया तो हर दूसो अपनी ग़लती का एहसास हुआ और वो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी उन्होंने अपनी ग़लती की और फिर दोबारा उनको वापसी हुई उनकी फिर वापस होकर डंडवा पहुँचे वो याफ़ा से दोबारा डंडवा गए जो उनका मकामी अमल था और जब वो नैनवा पहुँचे तो सारे नैनवा के लोगों ने इनका इस्तेबाल किया इंक्लूडिंग किंग जो बादशाह था इसकी तफसील किताब देख सकते हैं आप मुझे नहीं यहाँ जाना है तो जिस नैनवा को उन्होंने समझा था कि ये तो ईमान में नहीं है वो नैनवा की पूरी पूरी आबादी उनके दावत को कबूल किया यह है किस्सा तो इस किस्से को मैं समझता हूँ कि पूरी तरह अप्लाई होता है मुसमानों पर मौजूद मुसमानों पर मौजूदा जमाने के जो मुसमान हैं अपने खुद ऐलान के मुताबिक वो प्रॉब्लम में हैं डिफ़िकल्टीज में हैं सारे मुसलमान वन टू ऑल यही बोली बोलते हैं तो ये एक हुआ हजरत यूनिस जो थे मछली के पेट में थे आज के वो प्रॉब्लम के पेट में हैं हजरत यूनिस ने जब छोड़ दिया था अपने मधु कौम को तो चले गए थे मछली के पेट में ऐसे वो चले गए हैं ट्रैवल के पेट में मसाल के पेट में वो क्यों इस ज़माने के मुसमानों ने ठीक वही काम किया जो दूसरे से हुआ था यानी अपने मधु को छोड़ देना अपने मधु पर छोड़ने का माने क्या है ये टेटेल्स ट्रे -ट्रे में नहीं था ये जैसे उनके ज़माने में हुआ दावत को छोड़ देना मौजूदा जबान जो 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 वाक़ वो बहुत जिनस का भी मौल यही था कि, कि दावत का कम छोड़ दिया उन्होंने तो मुसमान मौजूदा जबान के मुसमानों ने दावत का मुकम्मल दम छोड़ दिया दावत का शोर भी नहीं उनको अब क्या है मुसलमान कौमी लड़ाई खुद साख्ता जहाज नफरत तशद सुसाइड बामबिंग यही कर रहे हैं अपनी मद् कौमों के साथ आज के अखबार भी खबर है आप देख सकते हैं तो दुनिया के तमाम मुसलमान इन्होंने यही कर रहे हैं कि वो जो लोग उनके मधु थे उन पर ख़रनाक हो गए वो इस जहाबा मगा जब चला गया गुस्सा होकर तो सारे मुसलमान गुस्सा होकर अपनी मधो मधु कौम से दावत का काम छोड़ दिया अब क्या है मधु को बुरा बुरा करना मधु की शिकायत करना मधु को दुश्मन बताना मधु कहना कि वो इस फोबिया पुबला है वो हमारे रसूल की शतब करते हैं ये एक पूरा अंबार है का ग उड़ेल रखा है अपनी मधु कमों को वही वाक़ा हुआ ट्रिटेलर टे सच्च में नहीं बल्कि अमरी सच्चे में तो सारी दुनिया के जिससे बात की जिससे बात कीजिए वह अपनी मधु कौमों को काफ़ी बताएगा जानने में बताएगा दुश्मन बताएगा साजी बताएगा तो वही फेल ने किया है जो हज से तरफ हुआ था अपनी अपनी मदु कौम से ख़तरनाक हो गए वो और उसको छोड़ दिया दावती काम छोड़ दिया यही मुसमानों का रखा है कि अपनी मदुआ अवाम से खतरनाक हो गए वो गुरुशोर ने बताया उसके बाद छोड़ी अभी भी लड़ाई जारी है आज के अखबार भी है अब देखिए अगर आप इस बात को समझ लें कि हमारा केस हज़रतूस वाला केस है हमारे लिए नमूना है हजरत उनस के मॉडल में जो अट्ठारह मॉडल हैं कुरान में नबियों के तो हमारे ऊपर जो मॉडल अप्लाई होता है वो हजरत उनस का मॉडल है मैं तोहद के बारे में नहीं कह रहा हूँ तोहेद तो हम कुरान से लेते हैं सुन, सुनौत रसूल से लेते हैं मैं मॉडर लद बोल रहा हूँ तो तारीख कार। तो मुसलमानों को क्या करना होगा मुसलमानों को वही करना होगा जो हत्या किया और फिर वो अल्लाह ने दोबारा कबूल किया उनको वो क्या था हत नून अदरत यूनिस ने एक तरफा तौर पर अपनी गलती का एतराब किया कि गलती मधु कौम को नहीं थी मेरी थी एक तरफा तौर पर जिसे मुसमान आज सारी गलती मधु कौम को बताए गई है आज के मुसलमान जो हैं सारा इल्ज़ाम मधुओ कोते कौम को दे रहे हैं मधु कौमों को तमाम कौमें जो मुसमान नहीं वो हमारी मधु कौमें हैं उन्हीं को इल्ज़ाम दे रहे हैं तो हज हाँ नाम ने ऐसा नहीं किया कि वो उनकी जो वदू कौम थी ननवा में उसको इल्ज़ाम दें मछली के पेट पर पे जब थे वो मिसाल के पेट तो उस वक्त एक तरफा तौर पर खुद माना कि गलती बनी थी मफरत अल्लाह से चाहिए उन्हें माफ़ी चाहिए एक तरफा तौर पर तब जा कर के अल्लाह ने कबूल किया उनको और मछली को हुक्म दिया के इनको ले आ कर मैदान में डाल दो फिर वहाँ यक्तिन का दरख्त होगा उसने उनको शाये किया और फिर वहाँ उनको दोबारा ज़िंदगी मिली और वो फिर वो दोबारा नवाए शायद कश्ती पर सवर करके तो मुसलमानों को यही करना है मुसलमानों को बग़ैर फिर बट के ये ऐलान करना है कि वी वी रॉन्ग वी वी रॉन्ग वी वी रॉन्ग कोई बट नहीं जैसा यूनिस ने कोई इफट बट नहीं लगाया था वो जो गुस्सा होकर निकल गए थे नैनवा से ये नहीं कहा उन्होंने कि उन, उनकी भी गलती थी कुछ नहीं कहा कि बड़ी गलती थी कि मैंने मधु को छोड़ दिया तो मौजूद तुम्हारी कम जो दूसरी जो कामें उनके मुखातब हैं उन सारे मुकामों को उन्होंने अपना दुश्मन बना रखा है साइसी बना रखा है वे आर इंडस्ट्रीज़ का ऐलान कर रहे हैं तो मुसलमानों को अगर ये अल्लाह की नुसरत को मुसलमान अगर चाहते हैं कि अल्लाह की नुसरत उनकी तरफ लौटे, तो इस वक्त वक्त आ गया है कि वो तोहब जमी करें फतूब जमीन ये सारे मुसलमान एक तरफा तौर पर तोहबा करें कि गलती हमारी थी कि हमने मधु को दुश्मन बना लिया मधु का जो कसूर नहीं था हमारा कसूर था न कहीं साजिश थी न कहीं दुश्मनी थी न कहीं रामोफोबिया था सब हमारी गलती थी अगर मुसलमान ऐसा करें तो जैसे की तरफ अल्लाह की रहमत लौट आई थी वैसे ही मुसलमान की तरफ लौट आएगी क्योंकि ये जो मछर के पेड़ पर चले गए थे वो अल्लाह के हुक्म से गए थे वो के पेड़ पर चले गए थे वो अल्लाह के हुक्म से तो इस वक्त जो मुसलमान हैं मसाल के पेट में वो भी अल्लाह के हुकूब से है। तो ये प्रॉब्लम ये मसाइल उस वक्त हट जाएंगे जब अल्लाह उनसे राज़ी हो जाए तो जब मुसलमान तौबा जमी कर रहेंगे सारे मुसलमान इस बात का ऐलान करेंगे कि हम दूसरों को दूसरों बताने हम गलती पर थे ग़लती हमारी थी हम उनको इल्ज़ाम देते रहे जो किसी शहर ने कहा है कि हम इल्ज़ाम को दे, देते तो कसूर अपना निकल आया एक शेर है हम इल्ज़ाम को दे, देते थे कसूर अपना निकल आए तो मुसलमान ये माने कि हम इल्ज़ाम दे रहे थे दूसरों को कसूरता अपना था तब ऐसा होगा कि जिस तरह दुनिया की तरफ अल्लाह की राबत लौटी ये कैसा अजीब वाकआ के साथ हुआ कि मछली के पेट में अल्लाह की तरफ से उनके जो खुराक का इंतजाम किया गया कैसी अजीब बात है कि मछली के पेट में अल्लाह ने उनके लिए खुराक का इंतजाम किया ऑक्सीजन का इंतजाम किया और फिर मछली को हुक्म दिया कि उनको किसी खुले मैदान में जाकर उनको उगल दो तो बाहर आए तो बाहर आए तो वहाँ पर अल्लाह हुक्म दिया वहाँ एक रिबाता दोगाई जिसको यकीन करते वो उनके ख़ुराक बनी और साय भी बनी तो ख़ुराक लेकर के दोबारा वो उनको ताक़त आई क्योंकि बहुत कमज़ोर हो गए थे फिर दोबारा उनको हेल्थ लौटी उनकी तरफ तो फिर वो तकरीबन एक हज़ार किलोमीटर का कर सफ़र करके दोबारा डांडवा आया और डंडवा के सारे लोगों ने इनके हाथ परिवार कबूल किया तो ये तारीख रिपीट हो सकती है ये तारीख रिपीट हो सकती है अगर वो जबान हर यूनिट के मॉडल को अपनाएं अगर अगर वो जबान हर यूनिट के मॉडल को अपनाए, तो पूरी तारीख रिपीट होगी तो सुनाम के इस कई आयतों का एक मजबूा है रुकू दस में रुकू जो होता है क़ुर एक पैरग्राफ पे, समझे उसको कुरान में रुकू जो है वो पैराग्राफिंग है तो रुकू दस जो है उसमें जो अट्ठारह नव को जिक्र है और यह है कि होता है वक्त होद उन्हीं के मॉडल को अपनाओ यानी इन अट्ठारह मॉडल में से जो मॉडल तुम्हारे अप्लाई हो रहा हो उसको अपनाओ विदाउट रिजर्वेशन तब क्या होगा वो तारीख तो पर दुआ लौटेगी जो हद हर दुनिस की तरफ लौटी अल्लाह तुम्हारा गलती तुम्हारी गलती को माफ़ करेगा तुम्हारी इंतज़ाम करेगा और मधु के दिल में तुम्हारी जगह बनाएगा जिस वधु को दु, दु, दुश्मन समझते हो उस वधु के दिल में जगह बनाएगा क्योंकि देखिए हदीस में आता है कि इंसान के दिल उ, 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 खुदा के उंगली के दरमियान है ये तमसील है तमसील है कि अगर उंगली के दरमियान हो तो उलट पलट कर सकता है आदमी तो इंसान का दिल ऐसा है जैसे अल्लाह के दो उंगलियों के दरमियान चाहे इधर कर दे चाहे उधर कर दे ये किया अल्लाह तनवा में यही करेगा अल्लाह आज भी तो हर हर यूनिस्क का मॉडल अब मुसलमान अख्तार करें तो वो तारीख भी रिपीट हो सकती है आज कि उनको शेल्टर मिले मुसलमानों को सारे मसाल दुरुस्त हों और प्रेस ए के कमें के दिल में उनके लिए साफ कार्डर पैदा हो जो कौमों के दिल अभी उनके सख्त हो रहे हैं क्योंकि दुनिया के कौमी मुसमानों को अपने लिए लाइब्रेरी समझने लगी ये दुनिया में ऐसा है मैं यूरोप के एक मुल्क में एक बार गया तो वहाँ पर एक अरब नौजवान से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि पहले लिखा जाता था दीवारों पर लिखा जाता जा था बीवियर ऑफ डॉग डॉग से बचो बीवर ऑफ डॉग अब वो लिखने लगे हैं नैन एलमन के बाद बी एवेयर बी ऑफ मुस्लिम्स मुसलमान से बचो बी एवेयर ऑफ डॉग के बजाय बी एवेयर ऑफ मुस्लिम्स ये सब बदल जाएगा क्योंकि जिस तरह से नैनवा के कॉम के दिल अल्लाह के उ के दरमियान थे ऐसी आज के जो कौमें हैं उनके दिल भी अल्लाह की उंगलियों के दरमियान है उतना ही आज के लोग भी अल्लाह के कब्जे में हैं, जिस तरह से नन्वा के लोग अल्लाह के कब्जे में थे लेकिन बिगनी होना चाहिए बिगनी कहाँ से होगी बिगनी आई वी व्यंग से होगी बिगनी जो है विंग से होगी जैसा कि हर दिस के बारे में हुई तो आज के मुसमानों को दोबारा राम की इनातों को पढ़ना है यह जानना है कि अल्लाह ताला ने जो दीन भजा है जो मबनी पर तोहद है तो दीन तो एक ही है जैसा कि शुराशुरा में है दीन तो एक ही है सब पर का। लेकिन हालात में चूंकि फर्क होता है हालात के फर्क के एतबार से मॉडल कई हो सकते हैं मॉडल कई हो सकते हैं तो कुरान में अट्ठारह मॉडल का जिक्र है कि इन लोगों के हालात का मुताला करो अपने हालात पर उनको अप्लाई करो और जिस पैगंबर का मॉडल तुम्हारे पर एप्लीकेबल दिखाई पड़े तुमको उसको अपना लो तोद के एतबार से तो आपका वही आपका रहनमा कुरान होगा रसुल्ला हो, हो लेकिन मॉडल के अतबार से डिफरेंट मॉडल हो सकता है तो यहाँ पर जो है मुसलमानों के लिए जो मॉडल है वह हाँ है मॉडल है क्योंकि केस वही वही केस है जिससे उन्होंने अपनी मधु कौम को दुश्मन समझ लिया था उनसे गुस्सा हो गए थे और उसे बदू बदू के अल्फात बोल कर छोड़ चले गए थे फिर मछली के पेट में चले गए वो और एक को तो के को चालीस दिन तक मछली के पेट पर रहे फिर उन्होंने तोबा किया माफ़ी मांगी अपनी गलती का एतराफ़ किया और यह भी अज़ पैदा किया कि मैं दोबारा जाऊँगा उस काम की तरफ तो जब यह चेंज आया आयास के अंदर तो अल्लाह के रहमत दोबारा लौटी उनकी तरफ अल्लाह के रहमत दोबारा लौटी उनकी तरफ और यह अजीब गई ब्रेकल हुआ कि वेल मछली के पेट में चालीस दिन तक तो जिंदा है वो आप हाँ कौन कीजिए कैसी अजीब बात है वेल मछली के पेट में जा उनके लिए ना ऑक्सीजन की सप्लाई होगी ना पानी की सप्लाई होगी ना फूड की सप्लाई होगी तो ये अल्लाह का मरेकिल था जिंदा रहे फिर बाहर आया तो बाहर भी उनके लिए इंतजाम किया गया ये सब कब हुआ जब उनके अंदर रिपेटेंस आया अपनी गलती का एतराफ़ आया बदु को इल्ज़ाम देने के बजाय खुद अपने पे इल्ज़ाम लिया उन्होंने तो मुसलमानों की ज़बान छोड़नी पड़ेगी छोड़नी पड़ेगी कि वेस्ट जो है इस्लाम फोबिया में मुबतला है लोग हमारे दुश्मे हो रहे हैं लोग हमारा करते हैं वी आर अंडर सीज ये सारी बातों को झूठ पुलंदे की तरह डाल देना होगा किसी गे में और कहें कि खुदया हम गलती पढ़ते खुदया हमें माँ फरमा इस्लाम के उस से सबक लिया तो एक सेकंड के फ्रैक्शन में अल्लाह की बदता पर आ जाएगी याद रखिए ये या अल्लाह का अल्लाह का ये सुन्नत है कि बंदा अगर गलती करे उसके बाद तोबे नसू करे तोबा करे और उसके बाद सच्ची तोबा तोबे न सूख माने दिल से तोबा सच्ची तोबा रिपेंटेंस हो उसके अंदर तो एक सेकंड के फ्रैक्शन में अल्लाह की रहमत दोबारा आ जाती है उसकी तरफ एक सेकंड के फ्रैक्शन में और फिर सारे हालात बदल जाते हैं जैसे यूनिस के लिए सारे हालत बदल गए यानी रवायात में है कि जब हजरत यूनुस छोड़ चले गए तो कौम को एहसास हुआ कि हम हमने ग़लत किया नबी को हमने सही रिस्पॉन्स नहीं दिया तो वहाँ जो बादशाह था बादशाह ख़ुद भी उसने फैसला किया कि मैं कोई बिस्तर पर नहीं सोऊंगा, मैं को आराम नहीं करूँगा और मैं वो मैं दुआ करूँगा खुद खुद डिपेंडेंस आया बादशाह के अंदर और पूरी कौम के अंदर एक तरफ ये था फिर इधर आया डिपेंडेंस उन्नीस के अंदर तो जब ये वापस पहुँचे तो वहाँ हालात बदल चुके थे यानी पहुँचते ही हालात बदल चुके थे हरती उन्नीस जब दोबारा डांडवा पहुँचे तो हालात बदल चुके थे टीश्यू को पकाऊ कि एक सेकंड के फ्रैक्शन में हालात बदलते हैं जब अल्लाह दोबारा दो आपको तब रजू रु, रु, करें इस वाहन में आप गौर कीजिए जिससे आप दुश्मन कहते हैं जिनको ये जिनके शहबा बमी करते हैं उन्होंने अल्लाह के एक बहुत बड़े प्लान को पूरा किया है ये वश् जो है जो दूसरी कौमें जिनको आप दुश्मन कहते हैं जिनको बम मारते हैं जो जिनके में बताते हैं जो बदवाएँ करते हैं उन्होंने अल्लाह ताला के बहुत बड़े प्लान को पूरा किया है वो प्लान क्या था वो प्लान यह था कि नदरफ़ुरक़ान अलाबधी लेकिन लेकुन ने न दीरा अल्लाह ने क़ुरान इसलिए उतारा कि वो सारे आलम के लिए सारे दुनिया के लिए नज़ीर बने व व बने आगा करने वाले बने लेकिन बने कैसे कम्युनिकेशन था नहीं तो बने कैसे तो अंबलन जो है एक लोकल वार्डिंग बनकर आ गया कुरान और हज़ार साल तक कैसे रहा क्योंकि कम्युनिकेशन दरकार था और दुनिया का कि जोग्राफी भी इंसान के लिए मालूम थी दुनिया में कितने मुल्क हैं कितने बर अदम हैं कहाँ समुद्र है कहाँ पहाड़ है किधर रास्ते हैं ये सब इंसान को पता नहीं था इधर जो आवा जहाज़ आया है हवा जहाज एरियल फ़ोटो लिए गए और आउटलेस बनाया गया तब मालूम हुआ कि कहाँ क्या है कहाँ क्या है उन्हीं कॉमों ने तो किया कॉमों ने हवा जहाज बनाए फिर एरियल फ़ोटो लिया फिर एडियल फोटो के जरिए से एटलस बनाया तब दुनिया को मालूम हुआ कि दुनिया में कहाँ क्या है कहाँ क्या है उन्हें जाग्राफ़ी भी, भी बालूम नहीं थी ये तो हमारे हमारे मोशन हैं ये लोग कुरान को पहुँचाने के लिए हमें जो दरकार था वो सब उन्हें फ्राहम कर दिया तो ख़ुलासा मैं ये अर्ज़ करूँगा कि मुसलमानों को एक वापसी करना है वापसी हद जैसी वापसी फ़र्क सिर्फ़ ये है कि हद की वापसी ट्रेटोरियल कमबैक थी ज़मीनी वापसी थी ट्रेरीटोरियल कमबैक कि वो फलस्तीन के इलाके से लौट के इराक पहुँचे आज मुसलमानों को जो करना है वो आर्डोलाजिकल कम नजरियाती वापसी उन्होंने की थी ज़मीनी वापसी आज मुसलमानों को करना है नजरियाती वापसी। उन्होंने क्या था ट्रेट्रोलियर कम अब मुसलमानों को करना है आर्डलाजिकल कम एक लफ में यही मसला है सरा कोई दूसरी बात ही नहीं करेगी आप देख चुके हैं कम से कम 200 सौ साल से मुसमान सारे चीज़ों को आजमा चुके बल्कि 200 सौ से ज़्यादा सारे तरीके हैं सबको आजमा चुके बेशवार जाने बेशवार माल बेशवार प्रॉपर्टी इसमें झोंक दिया लेकिन रिजल्ट जो था वो ज़ीरो था ज़ीरो क्यों मसला तो कम बैक का है वापसी का है और वापसी के बगैर आप धो मचा रहे हैं यह ऐसे ही है जैसे किसी बाप का एक बेटा हो बहुत मोहब्बत करता हो उससे वो वो बेटा भाग गया किसी और मुल्क पहुंच गया अब वहाँ कोई और धूम मचा रहा है तो का बाप खुश आएगा? बाप की खुशी है इसमें कि वो लौटे बाप के पास लौटे अकेला बेटा था वो बाप की उम्, उम्मीद था तो वहाँ को धूम मचाए वो अपने बाप के नाम पर मशायरा करें फ़र्ज़ कीजिए आपको बाप के नाम पर मशारा करें तो बाप खुश, खुश हो जाएगा जैसे मुसमान नाथवानी कर रहे हैं तो क्या इससे अल्लाह तुश रहेगा जिस तरह ऐसा बाप बेटे के नाम पर मुशरा बेटा अगर मुशारा करें तो खुश नहीं होगा बाप ऐसे अल्लाह तला आपके नाद खानियों से खुश नहीं होने वाला है कहते हैं नाद खानी करती रही आपको वापसी करनी होगी आपको कम बैक करना होगा हरिसम ने टेरिटोरियल कम बैक किया था आपको आइडोलॉजिकल कम बैक करना है तब जाकर सुरहत सूरत बदलेंगे वरना ये मुसलमान पढ़े रहेंगे इसे में यहाँ तक क्या मत आ जाए मुझे ज़रा भी शक है इसमें अगर मुसमानों ने कम बैक नहीं किया तो मुसलमान इन्हीं हालात पड़े रहेंगे इस शिकायतों की दुनिया में कंस्पसी की दुनिया में दुश्मनी की दुनिया में इस्लाफोबिया की दुनिया में पढ़े रहेंगे पड़े रहेंगे पढ़े गए यहाँ तक के फिल सुर फूक दे कि टाइम इज ओवर टाइम इज ओवर इसराफेल का सुर फूकना का मतलब क्या है शायद दुनिया को सामने यह ऐलान करना कि टाइम इज ओवर टाइम इज ओवर तो कैसा अजीब दिन है जिसका मुसलमान इंतजार कर रहे हैं कैसा अनोखा दिन है जिसका मुसलमान इंतज़ार कर रहे हैं अगर मुसलमान कम बैक नहीं करते तो गया कि वो इंतजार कर रहे हैं उस वक्त का जब इसराफे का सूर फूका जाए और ये कहा जाए कि टाइम दो अब तो वक्त ख़त्म हो गया अब तो कुछ हो नहीं सकता काम का जो मौका था वो तो ख़त्म हो चुका अब तो भुगतने का मौका है आप गौर कीजिए कि मुसलमान किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं मुशा में जो कम बैक का जहन नहीं आ रहा आ रहा है वापसी का जहन नहीं आ रहा है अपनी पार्टी को बदलने का जहन नहीं आ रहा है रिपेंटेंस का जहन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है इसका मतलब, है? इसका मतलब है कि वो उस लम्हे का इंतजार कर रहे हैं जबकि इस को हुक्म हो कि सूर फूक दो और सूर फूक दें इसके बाद है कि टाइम दो और तो हमेशा के लिए वक्त ख़त्म ऐसा नहीं कि कोई तदबीर से फिर लौटाए वक्त कभी लौटाएगा नहीं जब इस राफील का सूर फूक दिया जाएगा तो करो अरबों खरबों साल तक लो, वक्त लौटाएगा नहीं तो ये मैं कहूँगा कि मुसलमान बहुत ही सीरियसली सोचें कि क्या वजह है कि हमारा शोरहुल हमारी सौराज बॉम्बिंग हमारी जंग जात के नाम पर हमारा तशद उसे वर्क नहीं किया सुल्तान टीपू जब लड़े थे अंग्रेज़ों से उसमें वो, वो मारे गए थे उस वक्त से लेकर आज तक दो सौ साल से ज़्यादा गुजर गई और मुसमान ने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं जान की माल की प्रॉपर्टी की जो पूरी तारीख बने दी लेकिन रिज़ल्ट सिफर है रिज़ल्ट ज़ीरो तो अब आखिरी वक्त आ गया कि मुसमान सोचें कि क्यों हमारी कोशिशें लेस बन गई आखिरी वक्त आ गया कि मुसमान सोचें कि हमारी इतनी कुर्बानी इतनी कोशिशें सब रिजल्ट लेस क्यों हो गई और फिर वो दरियाफ्त हैं कि हमारे लिए मॉडल जो है मॉडल वो इस्लाम क्या और फिर लौटें वो कमबैक करें हदली इस्लाम टेटोरियल कम बैक किया था उन्होंने मुसलमान कम बैक करें हियर इज द बिगिनिंग इसके इसके सवाल कोई भी चीज़ नहीं है जो नई बिगनिंग करे जिंदगी में कोई नया दिल लाए को तु, 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 तु कोई नया सूरज तुल करे इस कमबैक के सवाल कोई दूसरी चीज़ ऐसी नहीं है उनके लिए नया सूरज तुल करे नया सूरज नहीं होने वाला है तो हजरत नू ने ट्रेट्रोलियर कम किया था आज मुसमानों को आइडियोलॉजिकल कम बैक करना है बस और कुछ इसके स्वागत कोई बात नहीं है कुछ कहते आप शायरी करें कहते आप खतावत करें कहते आप नाथखानियां करें कुछ भी करते रहें होने वाला कुछ भी नहीं क्यों इसलिए कि जो कुछ इस दुनिया में होता है वो अल्लाह के केश प्लान के मुताबिक होता है ला ऑफ नेचर के मुताबिक होता है अल्लाह की इसकी जो है उसके मुताबिक होता है तो मुस्लान जो कुछ कर रहे हैं वो अल्लाह के नक्शे के मुताबिक है नहीं नक्शा के मुताबिक ये है कि आप क़ुरान में अपना मॉडल दरियाफ़ करें कौन सा मॉडल आप लोग अपना ही होता है हियर इ बिगनिंग तो मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला से कि वो मुझको और आपको सारे मुसमान को माफ़ करवाए हमें तोफीक दे कि हम राइट बिगनिंग को दरियाफ़्त करें और उस पर अपने सफर का आगाज कर दें ताकि अल्लाह की रहमत दोबारा हमारे तरफ तो वापस आए वालेकुम वरहुल्ल So we'll be starting with the uh, question answer session now. Uh, all the online viewers are requested to send their questions on info at cpsglobal.org. Uh, we have a request that all the Facebook uh, viewers who keep posting their comments and their questions please also mention a location uh, when you post your comments or questions. comments <laughs> Uh, पहला कमेंट आया है अहमद अली साहब का नई दिल्ली से उन्होंने लिखा है मौलाना साहब टुडेज लेक्चर वाज अ वेरी इम्पोर्टेंट वन ड्यू टू इट्स मैसेज एंड अ गोल्डन एडवाइस दैट अप्लाइज टू ऑल द मुस्लिम्स टुडे द कंडीशन ऑफ प्रेजेंट डे मुस्लिम इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ देयर ओन एक्शंस यू ब्यूटिफुली एक्सप्लेन हाउ आउट ऑफ द एटीन प्रोफेटिक मॉडल्स That are mentioned in the Quran, the model of the Prophet Yunus is the most appropriate model that applies to our present day situations. Had Prophet Yunus not been praising Allah and sincerely accepted his fault and asked Allah for forgiveness, he would have stayed inside the whale's stomach till the final day. Muslims need to honestly accept and announce that they have definitely wronged themselves.

सुने शरा अनाम की इस आयत में खुदा क्या है ये वाज नहीं था जब आपने मॉडल कहा तो वाज हो गया डिफरेंट सिचुएशन में प्रैक्टिकल मॉडल जज़ाक़ल्ला मौलाना डॉक्टर सफीना ने दिल्ली से लिखा है मौलाना साहब यू हैव गिवन अ फार्मूला फॉर टुडेज मुस्लिम्स हु कंसिडर देम इन सीज़। यू वेरी ब्यूटिफुली एक्सप्लेन मॉडल ऑफ़ प्रॉफिट यूसुफ इन टुडेज टाइम Muslims also have to ask for repentance and remove all negativities from their heart and return back to Dawa work. Mr. Spinoid born Ne Pakistan Selika hai. Muslims are in problems due to the self-imposed wrong interpretation of Islam. Rediscover Islam and deconditioning is the only solution. मौलाना सवाल लेना चाहेंगे मौलाना मिस नगमा सिद्दीकी ने सवाल भेजा है उन्होंने लिखा है मौलाना कैन यू एलबोरेट वॉट इज आइडियोलॉजिकल कम बैक दैट मुस्लिम नीड टू डू देखिए ये बात ये कम बैक जो है बहुत क्लियर है वो ये है कि मुसलमान तशद्द छोड़कर अमन का तरीक़ा अख्तियार करें मुसलमान पॉल्टिक्स को छोड़कर दावत का तरीक़ा अख्तियार करें मुसमान दूसरों को दुश्मन समझने को छोड़कर दूसरों को इंसान समझें इंसान समझे ये कम बैक नेगेटिव सोच के बजाय पॉजिटिव सोच को अख्तार करें यह कमबैक दूसरों को इल्जाम देने के बजाय अपने अंदर ढूंढ गलती इंफ्रास्ट्रक्चर करें यह कमबैक सारा मामला सचित कमबैक ही का है कमबैक से नया रास्ता खुलेगा करें तो नहीं दिल्ली से असद ने सवाल भेजा है उन्होंने लिखा है बेस्ट वे टू गेट योर फैमिली इन्वॉल्व इन दावा मूवमेंट व्हाट इज द बेस्ट वे टू देम ऑफ दाइंड माइंडसेट हमारा जो किताब हैचर है उसको पढ़वाइए हम तो ये जानते हैं हमारा जो किताबें छपी हैं जो लिटरेचर उसको खूब को पढ़वाइए लेक्चर सुनवाइए कैसे सुनवाइए इस पर घरों घरों में इस पर चर्चा कीजिए डिस्कस कीजिए मैं तो समझता हूँ यही एक ही तरीका है और कोई तरीका नहीं है जी मौलाना अगला सवाल भेजा है आ, मिस शबाना अंसारी ने पाकिस्तान से उन्होंने लिखा है अल्लाह सेज़ इन द क़ुरान वाला हो यासे मौका मिनन नास दिज द सेम टीचिंग दैट यू आर टेलिंग मौलाना प्लीज़ क्लारीफाई दिस बहुत सही आपने रेफरेंस दिया बहुत सही रेफरेंस कि अल्लाह के तरफ आवाज़ आ रही कह बल्दो है मुसमान मैं तुम्हारी फवाद के लिए तैयार हूँ लेकिन तुम मेरे के मॉडल का अख्तियार करो जी यही तो है मतलब इस आयत का कि अल्लाह तैयार है हर लम्हा के मुसलमानों की के तरफ उसकी रहमत लौटे लेकिन उसकी शर्त यही है कि मुसलमान लौटे पैगबर के मॉडल की तरफ वहाँ जो लफ्ज़ है हदा हदा का लफ्ज़ यानी हिदायत के मरूफ़ माने में नहीं है बल्कि मॉडल के माने में है तो इन अठारह पैगबरों को मुतला करो इसमें से जिस पैगबर का मॉडल तवर हालात वही होता हो उसको रफ्तार करो यही हल है मौलाना अमीर कुरेशी साहब ने अबू धाबी से सवाल भेजा है उन्होंने लिखा है मौलाना साहब डू यू थिंक द कमिंग एज इज़ ऑफ इलाहाद नहीं मैं ऐसा नहीं मानता ये मुसलमानों की गलती है ये एज एज ऑफ था यानी खुदा खुदाज क्योंकि देखिए पिछले चार सौ साल के अंदर जो साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई हैं तो खुद साइंसदानों ने तो ऐलान नहीं किया कि ये खुदा का एविडेंस मिल रहा है हमको क्योंकि उनका ये उनका उनका सब्जेक्ट नहीं था लेकिन ये जितने भी साइंटिफिक डिस्कवरीज़ हैं, सब के सब अल्लाह की ग्लोरी का ऐलान थी अल्लाह की ग्रोड़ी का ऐलान थी इस पर किताबें कुछ मसीह लोगों ने लिखी हैं मिसाल के तौर पर एविडेंस ऑफ गॉड इन एन एक्सपेंडिंग यूनिवर्स पचास साइंस मसी साइंसदानों ने इस पर लिखा है तो मुसवाओं ने कुछ भी नहीं किया मेरे इल्म के बताया कि मुसलमानों ने वन परसेंट भी कोई इस लाइन में काम नहीं किया मेरे सवा मैंने किताब लिखी जो छपी है अल्लाह इस टॉपिक पर है लेकिन सारे मुसलमानों ने यहाँ से वहाँ तक इस से लेकर वज तक किसी ने भी साइंस ने जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट की थी उसको अवेल नहीं किया किया तो थो थोड़ा सा थो, क्रिश्चियन ने किया थी तो थीज का दौर नहीं बिल्कुल ही बिल्कुल गलत ही है थीज का दौर है गलती मुसलानों की है कि उसको उन्होंने अपॉर्चुनिटी इस अपॉर्चुनिटी को समझा नहीं और उसको अवेल नहीं किया मौलाना फिर थोड़े से कमेंट पढ़ना चाहेंगे जो अभी अभी आए हैं सवाल लेने से पहले डॉक्टर हैना खान ने लंदन से लिखा है आई एम गिविंग आउट कुरान ट्रांसलेशन ऑन हाई स्ट्रीट ऑन बिजी सैटरडे विच हैज़ बीन अ वेरी गुड एक्सपीरियंस द कुरान ट्रांसलेशन आल्सो कंटिन्यूज ऑन अ बिग स्पीकर एट द स्टॉल सम नॉन मुस्लिम्स जस्ट स्टॉप एंड स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन इन डिटेल्स About the message in Quran, and that's when we get the opportunity to explain the message of peace to them. Faraz Khan saab ne Kolkata After accepting our mistakes, we have to come back. Only then we will be compatible with the modern world. Zahoor Rehman saab ne Auckland, New Zealand se likha Jazakallah for the accurate diagnosis of ummat muslimah. मिस फरहाना अंसारी ने यू एस ए से लिखा है जजाकला मौलाना साहब फॉर टेलिंग इट इज़ टाइम टू फॉलो हजरत मॉडल फॉर बीइंग अ दाई इश्तियाक लोधी ने लीड्स यू के से लिखा है अ वेरी थॉट प्रोवोकिंग मैसेज मौलाना आप सवाल लेते हैं जो मौलाना इकबाल उमरी ने भेजा है चेन्नई से उन्होंने आपसे पूछा है कि तोबा जामे की शक्ल क्या होगी मौलाना इसको वाजे करें तोब जमी का मतलब है मिलकर तोबा करना सारे लोगों का मिलकर तोबा करना यह तोहब जमी है। तो एक होता है कि आदमी कोई इंडिविजुअल लेवल पर उसकी कोई गलती हो गई तो वो अपने आप अपनी सतह पर इंडिविजुअल लेवल पर वो तो वो करेगा लेकिन जब गलती आम हो जाए पूरी उम्र मुसलमान की गलती बन जाए वो तो उसको तौबा जमी करना पड़ता है तो तौबा जमी कोई फार्मर सूत्र नहीं क्योंकि जलसा हो बहुत बड़ा तो इकट्ठा हो यानी मतलब सब को एहसास हो और सब लोग अपने अपने घरों में अपनी मस्जिदों में अपने इदारों में दुआ करें सब इसका मतलब ये नहीं कि कोई कराउड इकट्ठा हो नहीं सबके दिल में गलती का एहसास हो सब अपनी जगह पर दुआ करना शुरू कर दें वही तो वो है। बुराना अगला सवाल गफूर बलूच बलोच साहब ने लिखा है आ, उन्होंने लिखा है कि क्या इनफरादी तौर पे तोबा करने से भी हम अल्लाह की रहमत के मुस्तक बन सकते हैं क्योंकि इजतमाही सतह पर प्रॉफिट यूनिस का मॉडल अपनाना इम्पॉसिबल है क्योंकि यहाँ हर एक का अपना माइंड है इसको वाजे करें देखिए अगर गलती निफरदी हो तब तो चलेगा देखिए जब गलती पूरी उम्मत उपला हो तो इम्पॉसिबल इं, है कि एक शख्स की एक शख्स के तोबा से सारे कौम जो है वो उससे उठा लिया जाए अल्लाह की जो रबत चली गई वापस ऐसा नहीं होने वाला है ऐसा होने वाला नहीं शख्स गलती अगर है का मामला तो एक शख्स की तोहत से वो, वो उसको माफ़ी मिल सकती है लेकिन जब सारी ही हमारी एक ही बोली बोल रहे हैं आप भी बताइए कि कौन मुसलमान है जो ये नहीं बोल रहा है मनफी बोली बोल बताइए मुसलमान कहाँ रहता है मैं अभी उसे कॉन्टेक्ट करूँगा अगर आपके इल्म ऐसे मुसलमान हैं जो मनफ़ी बोली नहीं बोल रहे हैं जिनके अंदर मुश्वत हो तो वो मुसमान कहाँ हैं मुझे नाम बताइए उनका टेलीफोन नंबर बताइए उनका तो सवाल ये कि जब सब लोग किसी मुबला हो जाए तो सबके अंदर सबके अंदर गलती का एहसास जागना चाहिए किसी क्राउड में इकट्ठा होकर नहीं अपने जगह पर करें लेकिन सब के दिल में आए बात का आर रॉन्ग वी आर रॉन्ग वी आर रॉन्ग ये मतलब है बुलाना अगला सवाल श्रीनगर से भेजा है इंजीनियर अलताफ हुसैन शाह साहब ने उन्होंने लिखा है मौलाना साहब मुस्लिम दावा वर्क विच वॉज द रियल मिशन ऑफ प्रॉफिट इस दिस द ओनली रीजन दैट वी ऑल आर इन डिस्ट्रेस जड़ की बात यही है जड़ की बात यही है कि दावत छोड़ने से सारी खराबियाँ पैदा होती है एक डिटेल में कई बातें आ जाती हैं लेकिन जड़ की बात यही है कि दावत को कब छोड़ दिया रूट है। मौलाना तंजीम अहमद साहब ने मेरठ से सवाल भेजा है उन्होंने आपसे पूछा है कि क्या कम बैक और री प्लानिंग ये क्या सेम है इसको थोड़ा और वाजे करें वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन कम बैक एंड री प्लानिंग कम बैक पहले आता है उसके बाद होती है री प्लानिंग दोनों जुड़े हुए एक दूसरे से जुड़े जोड़े हुए विदाउट कम बैक इज नो री प्लानिंग तो जब कम हो तभी तो जन बनेगा सोच आएगी तभी री प्लानिंग होगी तो दोनों एक दूसरे जुड़े हुए हैं लेकिन उसमें एक पहले आता है एक दूसरे बात को आता है मौलाना याकूब उमरी ने दिल्ली से कॉमेंट भेजा है उन्होंने लिखा है मौलाना साहब द सल्यूशन ऑफ़ प्रेजेंट डे मुस्लिम्स इज़ टू फॉलो प्रॉफिट यूनस मॉडल दिस इज़ अ वेरी क्लियर गाइडेंस फ्रॉम द कुरान जजाकला मौलाना साहब फॉर मेकिंग एस अवेयर अबाउट दिस रियली इम्पॉर्टेंट गाइडेंस मौलाना अगला सवाल लीड्स यू के से इश्तक लोधी साहब ने भेजा है उन्होंने आपसे पूछा है मौलाना साहब वॉट दावा प्लान शुड मुस्लिम अडोप्ट हुआ इन वेस्ट मैं सोचता हूँ कि सबसे पहला तो यह है कि कुरान का ट्रांसलेशन दुनिया के हर जुबान में और उनको फैलाना इसमें पैसा लगाना इसमें पैसा लगाए इसमें फ्री में वो थोड़ी फैलेगा वो क्योंकि कुरान खरीद खरीद कर सब लोग ऐसा नहीं हो सकता आपको फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा तो दुनिया में बहुत सी जबाने हैं यानी हज़ार से ज़्यादा ज़बाने हैं छोटी बड़ी तो हर जुबान में क़ुरान का ट्रांसलेशन तैयार करना अच्छे म्यार पर अच्छा ट्रांसलेशन, और उसको छाप कर फ्री रिश्शन लोग इसे पैसा दें पैसा लगाए सर पैसा मैं कहूँ कि पैसा झोंकें अपना इसमें इसमें पैसा झोंकें क्योंकि दुनिया खरीद खरीद करनी पड़ेगी या आपको करना पड़ेगा या आपको करना पड़ेगा कि तमाम दुकानों में तर्जुमा और फिर उसका फ्री उसके बाद दूसरी चीज़ जो है कि मुसलमान अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं निगेटिव वो सब इतना ख़त्म कर दें ये सुसाइड बॉम्बिंग और नेगेटिव पर प्रोगा दुनिया को दुश्मन बताना ये सब बिल्कुल हराम है हराम हराम है ये सब छोड़ना पड़ेगा इसको ये इस सुसाइड बॉम्बिंग और नफ़रत की बातें है दुश्मन बताना अगर हराम ना हो तो दूसरा हराम की ज़रूरत ही नहीं किसी हराम की तो आपको इस इन मुहरमा से बिल्कुल दूर करना कर, अपने आप को दूर करना होगा और फिर सपोर्टिव लिटरेचर इसके साथ शामिल करना होगा जैसा काम कर रहे हैं इसी पैटर्न पर हम दावत का काम कर रहे हैं मलाना दिल्ली से मोहम्मद आदिल चौधरी साहब ने सवाल भेजा है उन्होंने लिखा है कि इस्लाम को गैर इस्लामी कौमों तक पहुंचाने का काम आज उस तर्ज अमल क्यों नहीं है जो रसूल अल्लाह के दौर में था क्योंकि नतीजा इतना स्लो है ऐसा क्यों नहीं नतीजा शुरू कहाँ है बगैर बड़ा काम के लोग इस्लाम के दायरे में आ रहे हैं नतीजा शुरू नहीं है हम पहुँचा ही नहीं रहे मुसलमान असल में बात के जमाने में जो मुसलमानों का पॉलिटिकल एम्पायर बना है तो बस सारे लोगों पॉलिटिकल पोलिटिकल एम्पायर में दौड़ पड़े यानी पॉलिटिकल गोल बड़ी चीज़ बन गई और दावा का जो गोल है वो, वो वो पीछे चला गया ये बड़े पैमाने पर हुआ कि दुनिया में जो मुसलमानों का बना पॉलिटिकल एम्पायर बस उसी को बड़ी बात समझ लिया पॉलिटिकल ग्रोवरी को बड़ी बात समझ लिया इसी कर दिया कि दावत का गोल पीछे हट गया अब हमें वापस जाना पड़ेगा दावत की तरफ और दावत को ही सबसे बड़ा अहम काम बनाना पड़ेगा पार्टीज को नहीं पार्टीज को छोड़ना और दावत को पकड़ना ये टू पॉइंट फार्मूला है पार्टीज ये को छोड़ना और दावत को पकड़ना बस ये टू पॉइंट फार्मूला है जी ना मिस्टर संजय ने दिल्ली से सवाल भेजा है उन्होंने आपसे पूछा है कि हाउ वुड दावत सॉल्व ऑल दी प्रॉब्लम्स इसके बारे में बताएं। प्रॉब्लम तो है ही नहीं कहीं दावत छोड़ने से प्रॉब्लम पैदा हुई दावत छोड़ने से आती है दुश्मनी बॉमिंग टकराव तो प्रॉब्लम है ही नहीं इसलिए से, से। प्रॉब्लम तो क्रिएट हुआ है उस इस बनापर के जो ने दावत छोड़ दिया लड़ने पिड़ने लगे नफरत कर, करने लगे जब दावत पकड़ेंगे तो नफरत खत्म हो जाएगी तशद्द खत्म हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम कहाँ प्रॉब्लम तो है ही नहीं मैं मानता ही नहीं कि प्रॉब्लम है ये तो आबाबार की पॉलिसी है मुसमान जो है इस वक्त उनका उनकी जो पॉलिसी है आबाबार कहीं बैल नहीं था जो मारे आपको लेकिन आपने उसको तो पत्थर मारकर पत्थर मारकर मुश्तिल कर दिया अब सिंह चला मेरे बैल तो अपना कई झाड़ी में था आपने उसको इनवाइट किया कि आप आओ मुझे मारो पत्थर मार कर मौजा जबाना एक अजीत जबाना है कि इंटरेस्ट इतना बढ़ गया है इतना बढ़ गया हर आदमी अपने इंटरेस्ट में दौड़ रहा है हर आदमी अपने इंटरेस्ट में दौड़ है अक्सर मैं एक किस्सा सुनाया आप लोगों को शायद आप लोगों को याद हो कि एक पड़ता डाकू के एक पार्टी घुसी कहीं पैसे वाले क्या अब बोरे में नोट भरा उन्होंने जब भर चुके और नोट भर चुके बोरे तो इतने मेरे घर वाले ने पुलिस को टेलीफोन कर दिया था पुलिस गाड़ी आ गई जब पुलिस गाड़ी आगे खड़ी हो गई उसके दरवाजे के सामने तो जो डाकू का डाकू था तो डाकू जो सरदार था हमेशा सरदार गेट पर वाच करता रहता है तो सरदार वाच कर रहा था जब उसने देखा कि पुलिस आ गई तो फौरन ही उनसे फैसला किया फिर उसने बोर बोरी का बुक खोला और सारे वोट नोट पुलिस का फेंकना शुरू कर दिया तो पुलिस लगी लूटने बस इतने देर भाग गए लोग तो अल्लाह ताला ने इंटरेस्ट का एक इतना बढ़ा दिया है हर आदमी को इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है सामने उसमें दौड़ रहा है आप पत्थर न मारें न मारें कि किसी को फुर्सत नहीं आज आपसे दुश्मनी करने की इस ज़माने में गांव-गांव में गाँग इंटरेस्ट लोगों को इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है अपना ये जो इंडस्ट्रियल एज है इंडस्ट्रियल ऐज क्या है ये इंफजार है मौाक़ का यानी एक्सप्लोजन एक्सप्लोजन यानी अपॉर्चुनिटी का एक्सप्लोजन तो हर आदमी को दिखाई दे रहा कि ये बड़ा इंटरेस्ट है उसे दौड़ रहा है उसके दौड़ रहा है तो आप पत्थर ना मारें तो किसी को फुर्सत नहीं कि आपको खराब आप कुछ सोचने की कि. किसी को फुर्सत दिया इस सोचने की खुद मैं इसका गवाह हूँ कि जब हम दिल्ली आए तो कुछ लोग हमारे खिलाफ़ बहुत एक्टिव हो हुआ करते थे हमारे खिलाफ़ पोस्टर छपाना हमारे खिलाफ हैंडबिल बांटना ये तरह तरह के हमारे खिलाफ अब कोई नहीं क्योंकि सब दौड़ रहे हैं इंटरेस्ट के लिए मैं खुद इसका गवाह हूँ अब हमारे खिलाफ कुछ भी एक्टिविटी नहीं हो रही वो, वो सारे लोग जो शुरू में हमारे खिलाफ़ जहाँ पर हर जगह एक्टिव दिखाई पड़ते थे अब कोई एक्टिव नहीं है क्योंकि को दिखाई पड़ गया इंटरेस्ट उस, उसके पीछे दौड़ रहे हैं तो बिल्कुल लोग जानते ही नहीं बिल्कुल बेखबर है जो ये कहते हैं कि दुश्मनी और ये सब नेगेटिव बोली बोलते जानते ही नहीं कुछ जबानी नहीं मौलाना चेन्नई से uh, कोल्लू नदीम साहब ने सवाल भेजा है उन्होंने लिखा है मौलाना साहब हाउ डू वी कोरिलेट ऑल दिस एटीन प्रस्क्राइब मॉडल्स इन जनरल विद पर्टिकुलर मॉडल ऑफ प्रॉफिट ऑफ इस्लाम एज मुस्लिम्स कीप ऑन सेइंग दैट प्रॉफिट ऑफ इस्लाम हैज़ बिल्ट इन बिल्ट ऑल दीज मॉडल्स विद इन हिमसेल्फ हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस नहीं ये बिल्कुल गलत बात है के के गए रसल ने दीन पेश किया कामिल दिन ये सही है बाकी सारे मॉडल इकट्ठा हो गए बिल्कुल बिल्कुल यानी बिल्कुल अजीब गरीब बात है क्योंकि मॉडल तो सिचुएशन क्रिएट करता है तरह तरह के मॉडल होते हैं तो उससे मॉडल की जरूरत पेश आती है मक्का में सारे हालत थे थे नहीं मदीने में सारा हालत थे ही नहीं जहाँ जो हालात होते हैं उसके लिहाज से मॉडल की जरूरत पेश आती है तो ये कहना बिल्कुल यानी बेखबरी की बात है कि रसल्ला की जिंदगी में सारे मॉडल इकट्ठा हो गए थे रसल्लाह ने बिलाशबा मुकमल कुरान पेश किया और बसरत हिजरत नामा आपने दिया इंसान को आपकी ज़िंदगी बहुत ज़बरदस्त रहनवा हमारे लिए लेकिन बॉर्डर का तल्लुक हालात से हालात से पता पता चलता है कि हमें कौन सा बॉर्डर अपना अप, अप्लाई करना है ये तो बिल्कुल बेखबरी की बात है जी मौलाना देवबंद से अबू साद साहब ने सवाल भेजा है उन्होंने लिखा है वॉट इज़ द रीज़न ऑफ बैकवर्डनेस अमंग मुस्लिम्स इसके बारे में बताएं इसके तो एक ही वजह है एजुकेशन में बैकवर्डनेस देखिए बहुधा के केमा जिन्होंने मुखालफत की मगरबी तहजीब की अगरीबी तालीम की एक बात से बिल्कुल बेखबर थे जानते ही नहीं थे अभी भी जानते नहीं वो वो कि कदीम ज़माने तल्लुक एजुकेशन नहीं होता था एजुकेशन नहीं होता था मसल ऐसा एक, 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 एक बनाना है एक बर्तन तो एक आदमी होता था ठोक ठाक करके के बना लेता था बस अब जो है वो मॉडर्न इंडस्ट्री में बनता है और वो बहुत ही मॉडर्न वे में बनता है सब टेक्नोलॉजी चाहिए उसके लिए तो आज जो कोई भी चीज़ चाहे छोटी हो या बड़ी वो थोड़ी टेक्नोलॉजी होती है आज की खेती भी टेक्नोलॉजी उसमें इन्वॉल्व है पहले जमाने में टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व नहीं थी खेती में तो सारे ही काम जितने भी हैं हर काम में टेक्नोलॉजी शामिल हो गई और उस टेक्नोलॉजी का तल्लु है एजुकेशन से हमारे और बार जानते नहीं थे कुछ बातों को मॉडर्न एजुकेशन के मतलब हराम हलाल की बात नहीं है मॉडर्न एजुकेशन हला हराम है का हलाल ये मसला ही नहीं है मसला ये कि हुग 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 है कि मॉडर्न एजुकेशन का तल्लुक हो गया तमाम एक्टिविटीज़ से एक एक, एक छुट्टी बनाना है एक पिन बनाना है एक बॉक्स बनाना है एक बार स्किल बनाना है कुछ बनाना है आपको उसके लिए आपको एजुकेशन चाहिए क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी जानेंगे आप अगर कैसे जब एजुकेशन हो तो आप इसको जाने इसलिए एजुकेशन हरा हराम हलार की बातें करने लगे हरा भला के वो तो वो तो नेसेसरी चीज़ बन गई मौजूदा जमाने में जी मौलाना टोरंटो से मियाँ सरफराज खान साहब ने सवाल भेजा है उन्होंने आपसे पूछा है कि मौलाना साहब हाउ कैन आई मेंटेन पेशेंस इन डिस्ट्रेस सिचुएशन सबसे आसान है इससे आसान तो कुछ भी मेरी मैं इसका जिद्दा सबूत हूँ आप मुझसे बिना तो बताऊँगा आपको कि हर वक्त मेरे पास वो हालात होते हैं जो लोगों को डिस्कस करते थे देखिए मैं बिल्कुल मुतमिन रहता हूँ मैं कैसे रहता हूँ उसको जान लीजिए पसंद मैं एक जिंदा सबूत हूँ कि हर सूरत हाल को आप मैनेज कर सकते हैं हर सूरत हाल को चाहे कोई भी हो और अपने को आप पॉजिटिव रख सकते हैं इस पर हमने किताबें लिखी आप किताबों को पढ़िए अगर आपको उसमें न मिले तो मुझे बताइए ख़ासतौर पर चार किताब पढ़ ली आप राजा हजार, तामिर हजार, रहनवाजा किताब जिंदगी इंग्लिश में पढ़ना है आपको तो बॉर्ड विजन सिंपल विजम कई किताबें वो पढ़ी आप इन किताबों को पढ़ने के बाद भी अगर सवाल बाकी रहता है तो मुझे लिखिए मैं बताऊंगा आपको जी मेहताब आप साहब ने धामपुर से सवाल भेजा है मौलाना उन्होंने लिखा है मौलाना साहब मुसलमान तो फॉलो कर रहे हैं तो उम्मत की हालत तो तब बदलेगी जब उलेमा यू टर्न लेंगे क्या ये सही है नहीं मैं समझता हूँ कि पार्शियल हो सकता है को फॉलो कौन करता है सिर्फ निकाह तलाक के मामले में वुम जाते हैं वो बाकी जिंदगी के मामला में कोई उलेमा को फॉलो नहीं करता जब अपने पड़ोसी से आपको नफरत करना हो तो क्या फतवा लिया जाता है सुसाइड भी करनी हो तो फतवा लिया जाता है बहुत ही या आप इसका सबूत यह है कि आप लालूम देवबंद के जो फतावा आ से छपे हैं बहुत जल्दों में उसको पढ़िए आप सारे फतवे में यही बातें निकाह उतराक निकाह उतराक नगा कुछ मामलात में का मसला है, जो बड़े बड़े मसाइल हैं उसमें कोई पूछता ही नहीं से, कोई पूछता ही नहीं से। मौलाना अब अगला सवाल लेने से पहले दो कमेंट्स पढ़ना चाहेंगे पहला कमेंट भेजा है डॉक्टर असलम खान ने सहारनपुर से उन्होंने लिखा है कि पीस मेथड ऑफ दावा इज एलियन अमंग मुस्लिम्स बिकॉज दे आर टोटली इग्नोरेंट अबाउट द स्पिरिट ऑफ इस्लाम and that the present age is an age of peace and democracy mohammad irfan rashidi sahab ne kamti nagpur se bheja hai maulana sahab muslims are facing today's situation because they are living in intellectual darkness मौलाना okay. अगला आ, uh, सवाल लेते हैं जो भेजा uh, है मोहम्मद एजाज साहब ने लखनऊ से उन्होंने लिखा है मौलाना यू सेट यूनुस एक्सेप्टेड हिज मिस्टेक यूनिटरली एंड दैट वी शुड ऑल्सो एज अ मॉडल अडॉप्ट सेम एथिक्स बाय नॉट कंप्लेनिंग अबाउट अदर्स बट मौलाना इन द रियल वर्ल्ड आई हैव सीन दैट इफ यू एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स देन दिस फर्दर इंकरेजेस द अदर पार्टी टू बिकम मोर ज़्यादा झूठी बात कोई नहीं हजार बस झूठ पर खड़े ही है। हैं कोई मिसाल बताइए मुझे अपनी गलती को बांधने से रेप्रेंस पैदा होता है यह अल्लाह का कानून है अपनी गलती लें तो रेपेंस पैदा होगा अपनी गलती को मारने से सरकशी पैदा होगी ये बिल्कुल बिल्कुल ही गलत है झूठ से कम कोई लत मेरे पास नहीं है आप मिसाल दीजिए तो बताऊँगा आप मिसाल दीजिए इस मामले में कुरान सुन्नत से बहुत वाजह ये बात साबित होती है कि अगर आदमी अपनी गलती का एतराफ़ कर ले तो फरीक किसानी के अंदर डिपेंडेंस बंदा होगा वो डर पड़ जाएगा इसका बहुत लिख चुके हैं बहुत लिख चुके हैं अगर कोई इसको ना माने तो मिसाल दे उसको कहाँ ऐसा नहीं होता बिल्कुल मुसवान जो है बेसलेस बेसलेस में जी रहे हैं। जी रहे हैं। जी रहे हैं, यानी ये बेसलेस बेसलेसन है ये मौलाना ये आखिरी कमेंट पे आज का सेशन ख़त्म करेंगे ये कमेंट भेजा है डॉक्टर फरीदा खानम ने दिल्ली से उन्होंने लिखा है मौलाना साहब टुडेज लेक्चर मेरिट वेरी क्लियर दैट विदाउट द ब्लेसिंग्स एंड मर्सी ऑफ गॉड We cannot solve our problems even if we put in Himalayan efforts. So, uh, we will end the session now. Uh, if you want to join CPS International or you want to distribute the Quran in your local areas, please write to us on info at cpsglobal.org. Thank you for watching CPS International. We'll be back next Sunday, same time.